Let's understand the moral hazard and the concept of asymmetric information. Asymmetric information जो कि public economics में ये दोनों term को हम पढ़ते हैं. Okay, तो moral hazard क्या है and asymmetric information में जो भी आपके doubts हैं ना, इसको लेके आज पूरा clear हो जाएगा इस 4 minute की video में. And I hope आपको, मैं hope नहीं कर रही हूँ, आपको पक्का समझ में आ जाएगा. So stay tuned. तो मोरल हैज़र्ड जो होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस इज़ यू, दिस इज़ एक्स. ओके, दिस पर्सन ही वांट्स टू बाय ए केटीएम बाइक. ओके, ये जो इंसान है ना, इसको केटीएम, ये तो गाड़ी का मुझे नहीं आता है क्या होता है कैसा. ठीक है, ये हो गई बाइक. ठीक है, जो केटीएम बाइक है इसको ये ख़रीदना चाहता है मिस्टर एक्स. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ख़रीदना चाहता है. तो इसके प्राइस लेट से 2 लाख रुपीज़ है एंड इसने ख़रीद भी लिया. 2 लाख रुपीज़ लेके इसको ख़रीद लिया एंड आफ्टर दैट ही मेड द इंश्योरेंस. तो इसको लेके उसने इंश्योरेंस भी करवा लिया. ठीक है, तो आप दो सिचुएशन को मान के चलो. जब तक ये क्या है ना, ये पहले जब गाड़ी पहले लिया था, ठीक है, तो 2 लाख रुपए लेके पहले गाड़ी इसने लिया था, तो ये बहुत ही कॉशियस था कि काश मेरी गाड़ी को कुछ ना हो जाए, काश मेरी गाड़ी को पुलिस पकड़ के ना ले ले. तो वो हेलमेट यूज़ कर रहा था, वो वेरी केयरफुल था. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उसको संभाल के रख रहा था. लेकिन आप दूसरे सिचुएशन मान के चलो, ये हो गई कार की जो कुछ महीने होती है, लेट्स से 6 मंथ्स. जो नई नई चीज़ें जब आती है ना, हम बहुत ही उसको केयर करके रखते हैं, बहुत उसको संभाल के रखते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़. तो फिर जब 6 मंथ्स के बाद क्या होता है, तो उसने क्या किया ना, इंश्योरेंस ले लिया. ठीक है, तो इंश्योरेंस ले लिया जब, तो इंश्योरेंस में लिखा हुआ था कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ होती है प्रॉब्लम, ये चीज़, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम आपको वापस करेंगे. मतलब वी विल इंश्योर दैट अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है देन वी विल पे यू. ठीक है, हम उसके लिए देंगे. तो इसने इंश्योरेंस करवा लिया. तो इंश्योरेंस करने के बाद ये हो गया केयरलेस. तो इसने क्या किया ना, केयरलेस हो गया और बिल्कुल ही रेकलेस होके अपना गाड़ी चलाने लगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइव भी करने लगा, मज़े करने लगा, तो बिना हेलमेट में यूज़ करने लगा. तो क्या हो गया, तो ये होती है एक सिचुएशन, ये होती है एक पीरियड. तो इन दोनों पीरियड में क्या होता है, जब इस इंसान ने, एक्स 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 पर्सन जो है ना, जब इसने इंश्योरेंस करवा लिया, तो वो थोड़ा मतलब रिस्क फ्री हो गया. मतलब उसको लगा कि ठीक है, अभी मेरे को कुछ भी होगा ना मेरी गाड़ी को, तो ये बाकी लोग हैं इसको भरपाई करने के लिए, तो वो रिस्क फ्री होके चलाने लगा. लेकिन जब उसके पास इंश्योरेंस नहीं था, तो वो कॉशियस था, तो वो क्या मतलब उस चीज़ को संभाल के रख रहा था. तो ऐसे ही क्या होता है, जब भी अभी गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट हमें लोगों को राइस देती है. मतलब किस चीज़, किस स्कीम के तहत, जैसे कि BPL लोग हो गए, उनको राशन कार्ड के तहत इनको राइस और गेहूँ ये सारा कुछ देते हैं, राइस वीट तो केरोसिन ये सारा चीज़ देते हैं. तो गवर्नमेंट तो देती है लोगों को कि लोग इसको खा के, मतलब इसको लेके थोड़ा सा उनके ऊपर बर्डन कम होगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे. ठीक है, तो कर पाएंगे. लेकिन लोग उसको दूसरे वे में ले लेते हैं कि अच्छा, हमें तो सब मिल जा रही है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये हो गई क्या, जब आपके पास वो, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, जब आपके पास वो फ्रीडम नहीं होती है, ठीक है, तब आप उस चीज़ को बहुत ही संभाल के रखते हो या फिर उसको अच्छे से यूज़ करते हो. लेकिन जब आपके पास कोई बैकबोन आ जाता है, कोई इंश्योरेंस आ गया, को कुछ आपकी ऐसी ना सेटलमेंट हो गई कि ठीक है, अभी तो आपके पास, आपको महीने महीने टाइम, आपको इतने पैसे आ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा ही रिस्क फ्री हो जाओगे. आप मतलब उसको क्या करोगे, उसको गलत वे में लेना स्टार्ट कर लोगे. तो मोरल हैज़र्ड इसी को कहता है. तो एग्ज़ाम में ना जो पूछते हैं, एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल, आफ्टर द सेल, द पर्सन, द बायर, द पर्सन और द बायर, ही गेट इंश्योर्ड,
तो वो इतना श्योर हो जाता है तो वो उसको रेकलेसली यूज़ करने स्टार्ट कर लेता है, वो केयरलेस हो जाता है, तो वो होती है मोरल हैज़र्ड। ठीक है, वो ये होती है आफ्टर द सेलिंग, आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये आती है क्वेश्चन। और हम अगर अभी समझेंगे कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जहाँ पे मान के चलिए आपको चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए एक एक घर, ये हो गई एक घर। ठीक है, आपको ये घर चाहिए, तो ये हो गई आपका एक जो प्रॉपर्टी डीलर। तो ये प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, मतलब ये घर ना बहुत पुराना है, मान के चलो 5 ईयर्स पुराना है, और इसकी फाउंडेशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है और थोड़ा मोड़ा कुछ ख़राब है, लेकिन ये जो है, और आप है, आप हो ये बायर, यू आर द बायर, आप इसको ख़रीदना चाहते हो, आप इसको चाहते हो ख़रीदना। और ये हो गई, ये हो गया हमारा ब्रोकर। ठीक है, ये जो ब्रोकर है ना बीच में, ये इसको बोल रहा है कि देखिए ये जो घर है अभी हमने बनाया है और इसका प्राइस जो है ये 10 करोड़ अभी है। ठीक है, तो ये ब्रोकर इसको बता रहा है कि अभी 10 करोड़ है। तो लेकिन इसने क्या किया, और ये जो घर है ना अभी इसको रीपेंट किया है, बस रीपेंट करके उसके जो रिपेयर कर दिया और उसको बोल दिया कि हाँ घर अभी सही है, लेकिन ये जो घर एक्चुअल में है कितना, ये 5 ईयर्स पुराना है और बाकी सब ख़राब था, लेकिन अभी इसको रिपेयर और रिपेंट करके इसको बेच रहे हैं, मतलब इस इंसान को जो बायर है इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो एस्टिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि जब भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो सेलर होता है और यहाँ पे जो होता है बायर, ठीक है, ट्रांजैक्शन तो इन दोनों के बीच में होगी ना, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है किसके पास, सेलर के पास, इसके पास मोर इन्फॉर्मेशन है, इसके पास लेस इन्फॉर्मेशन है, किसके पास, बायर के पास लेस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसको इसको चाहिए ना फ़ायदा चाहिए, ये किसी भी हालत में ये लेना चाहता है, मतलब बेचना चाहता है, तभी इसको कमीशन मिलेगा। तो ये इसको कुछ भी बोल के बोल देगा कि हाँ हाँ सर बहुत सही है, बहुत घर सही है, आप ले लो, तो ऐसे बोलेगा। तो इसीलिए ये देखो सब अपने प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, तो सेलर क्या बोलेगा, सेलर कुछ भी झूठ मूठ बोल के वो बोल देगा कि हाँ ठीक है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये वो। तो ये जो ब्रोकर अभी क्या कर रहा है ना बीच में, ये कह रहा है कि आप ले लो, ठीक है, इसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई और इसके पास हो गया कम इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम बोलते हैं कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ये कब होता है, बिफोर द सेल। ये क्या बिफोर द सेल, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है ना, ये बता नहीं रहा है। तो सेलर जो है, सेलर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है रैदर देन बायर। तो बायर अगर ये बायर इस घर को ख़रीद लिया तो बायर आ गया लॉस में, ठीक है, और इसको तो मिल गई कमीशन। ठीक है, तो बात सिंपल सी यही है। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो बात है, जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, ये कहती है जबकि बायर और सेलर के बीच में जब इन्फॉर्मेशन इक्वल ना हो, बायर और सेलर के बीच में जब इन्फॉर्मेशन इक्वल ना हो, तो तभी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है वो आती है, और वो होती है बिफोर द पॉइंट ऑफ सेल। ये होती है ना सारा चीज़ सेल करने से पहले, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और वो थी मोरल हैज़र्ड। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिफरेंस तो मैंने बता दिया, एंड मोरल हैज़र्ड। मोरल हैज़र्ड होती है आफ्टर द सेल, ये हो गई आफ्टर द सेल, एंड ये हो गई बिफोर द सेल। बिफोर द सेल, इसीलिए बायर को उतना ही हक है जानने का सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, बिकॉज ही इज़ पेइंग फॉर इट, है ना। अगर अगर वो जानने की उतनी कोशिश नहीं करेगा तो ये लॉस में आ जाएगा। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है और मोरल हैज़र्ड। आई होप आपको समझ में आ गया है, एंड थैंक यू।